सुबह के तकरीबन 10:15 बज रहे हैं और खैरपुर नाखन शाह जो है सैलाब मुतासरीन के लिए जहाँ पर JDC ने घर बनाए हैं वहाँ जा रहे हैं और जितने घर तैयार हुए हैं वो पूरी बस्ती एक है शायद छोटी सी वहाँ उनके हवाले चाबियाँ करेंगे। ठीक है, अब इंतज़ार कर रहा हूँ मुस्तफ़ा और दीगर लोग आ रहे हैं सवाल हो। अभी तो कह दे भाई इसलिए लेट हो रहा है। मुस्तफ़ा भी आ गए हैं, अब देखें एक आदमी और आ रहा है फिर रवाना होंगे इंशाल्लाह। एक और साथी का इजाफा हो गया रास्ते से हानिकोट आए और इंशाल्लाह हैदराबाद पहुँच जामशोरो पहुँचेंगे। यहाँ से अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों तरफ पानी ही पानी है, देखें सैलाब की तबाहकारियाँ, देखें लोगों के घर किस तरह डूबे हुए, लोग नकल मकान ही कर रहे हैं। वो देखें सामने लोग पानी के बीच में पीने के लिए किस तरह बैठे हैं, ये देखें अपने जानवरों के साथ। मेरे ख्याल में हम दादू पहुंचने वाले हैं और 4-5 घंटे हो गए गाड़ी चलाते हुए और जा रहे हैं। अभी मुतासरी ने सैलाब को जो नए घर दे रहे हैं यहाँ पर खैरपुर नाथन शाह में पहुँचते हैं वहाँ पर, फिर इंशाल्लाह दिखाते हैं आगे डिटेल। अब हमारे लेफ्ट साइड देखें अभी भी खेमे लगे हुए, वो देखें लोग बेचारे खुले आसमान के नीचे छोटी छोटी झुग्गियाँ लगा के मुतासरी ने सैलाब जो आके बैठे हैं वो लोग हैं। चलें आगे दिखाते हैं। देखें ये आ गया JDC का, जो JDC ने सिटी बनाया है, उल्टे आप दिखा दें सारे घर सैलाब मुतासरीन के, ये लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर भी। ये AD मलिक साहब हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल है और हम लोग पहुंच चुके हैं खैरपुर नाथन शाह। JDC और AD मलिक साहब जो हैं आदिल मलिक साहब, उन लोगों ने हमने मिलके बनाए घर। आए देखें यहाँ से लेकर और ये सारा उल्टे हाथ देखें सारे घर तैयार हो चुके हैं। अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से सारा सिलसिला। और ये जो कॉस्ट आई है टोटल, ये एक घर पे कॉस्ट 50,000 रुपये आई है। ईंटें तो इनकी अपनी पड़ी हुई है, यही इस्तेमाल हुई है, बाकी छत वत सब मिला के तकरीबन 1,00,000 रुपये की कॉस्ट आई है। और देखिए ये उन्होंने रिबन लगाई है, शायद इसका इफ्ता ये हमसे करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है जिनके घर टूटे सैलाब में तबाह हुए उन्हीं के आश्रय में किस किस का टूटा था। और भी कौन कौन आ जाए, जिस जिस घर बने साहब, अच्छा उनका भी घर बना है, छतपाई पे बैठे हुए उनका भी घर बना है। आपके हाथ से करवा लें, सब पकड़े, हाथ लगाए, भाई खैरपुर नाथन शाह के इस जगह पर JDC की जानिब से और AD मलिक साहब जो आदिल मलिक साहब उनकी जानिब से जो घर बने वो आपको दिखा देते हैं। ये घर है, ये इसकी खिड़की है और ये इसकी छत है, ऊपर ये गार्डन लगे हुए हैं दो और जिस तरह होनी चाहिए। आगे लेके चलता हूँ। देखें ये भी है, इस तरह से कुछ घर 12 बाय 12 हैं,
कुछ घर जो हैं वो 12x17 हैं। ये 12x17। अच्छा, ये 12x17 के घर हैं। अच्छा, मैं देखने वाले तमाम लोगों को बता रहा हूँ, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ भाई, कोई 5 लाख 8 लाख 10 लाख की कहानी नहीं है, ये घर तो तैयार हो गए भाई। इनकी अपनी ब्लॉक थे, सिर्फ इसके अंदर मजदूरी, सीमेंट, गार्डर, प्लास्टर, ये जो हुआ है, ये छत के ऊपर जो 2 लोहे के 3 गार्डर लगे हुए हैं, देखिए ना कितना बड़ा कमरा है ये, 12x17 है। खिड़की विड़की सब लग गई है और देखिए सब गांव वाले खुश हैं यहाँ पर, इनके सबके ये घर बन गए हैं। अच्छा, उस तरफ पीछे भी हैं, पीछे भी दिखाते हैं। अच्छा, मेरे दो बेवा औरतें थी, उनके भी मुझसे देख रहे हो जी। अजी नदीम भाई कहा है, इनकी सारी मेहनत है, लेकिन सब घर सबके तबाह हुए थे, अभी तक बर्तन वर्तन सब ऐसे ही पड़े हैं, कितनी तबाही थी। बजी आओ भाई, ये इनको रिपेयर करा के दिए 2 कमरे। अच्छा अच्छा, चले चले, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया। कैसे हो भाई, खैरियत से हो? खैरियत, बहुत अच्छा है भाई, सही है, खुश है ना? आने आने आने, मैं आप तमाम देखने वालों को यही मैसेज दूंगा कि आगे बढ़ें, मुश्किल की इस घड़ी में अपने मुतासरीन सैलाब भाइयों की मदद करें। ये कोई करोड़ों रुपए का बजट नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, इस बहुत मुख्तसर पैसों के अंदर देखें लोगों के अपने घर बन गए, और यहाँ JDC की जाने से जो घर बने उसमें फैमिलीज़ जो हैं वो अब शिफ्ट हो जाएंगी। और हमारी सिर्फ आपसे इतनी सी गुजारिश है तमाम देखने वालों से, आगे बढ़ें, JDC का साथ दें। हम कराची से यहाँ पहुँचे हैं अभी, और ये वीडियोज़ आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप जुड़ते चले जाएँ हमारे साथ, और इन लोगों की ज़िंदगी में आसानी है, जो भी मुतासरीन है करोड़ों लोगों के साथ ये आफत लोगों ने सही है, इस वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया। यहाँ भाई पूरा शहर डूबा हुआ था, 8-8, 9-9 फीट जो है ना पानी था यहाँ पर, अब शहर से पानी निकल गया है, लेकिन पीछे के जो गाँव है ये हम जहाँ खड़े हैं ये शहर है, ये शहर है, सिटी मेन सिटी। बताओ जब शहर का ये हाल हुआ है तो गांव देहात का तो वजह ही बढ़िया होगा। ये कितने दिन का बच्चा है नदीम भाई? जी ये भैंस का दिन का बच्चा है, ये 2 दिन का बच्चा है। दिखा यार करीब से। अरे नहीं नहीं, यानी ये सब कुछ जो कुछ था सब तबाह हो गया, सब सब तबाह हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ये सामान सब की ये बाउंड्री वॉल थी, हाँ ये सब जाना गिर गया, ये ईंटों से अंदाजा लगा रहे होंगे आप। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तबाही जो है इतना ही बड़ी है। अच्छा, सोच से बड़ी तबाही हुई है ऐसे ही। ये हमारे सद्दाम भाई हैं भाई, कैसे सद्दाम भाई? अहमद हुसैन चैन, दोनों ने हमारा बहुत साथ दिया यहाँ पे, और एक और बनाएंगे, और घर बनाएंगे इंशाल्लाह। आपकी JDC, हम तो दुआ करते हैं कि JDC के अच्छे जो काम कर हमारे मुझसे आ गया हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक और चीज़ दिखा दूँ, देखिए उस घर में भी फैमिली शिफ्ट हो गई है, इधर भी फैमिली शिफ्ट हो गई है। देखें ये बच्चे जो खुले आसमानों के नीचे था, वो बच्चा साइकिल लेके, देखें बाहर साइकिल भी नहीं है, उसका टूटा हुआ एक हैंडल है खाली। और नदीम भाई मैं आपको अभी पैसे देता हूँ, आप सारे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हैं, साइकिलें वाइकिलें ला कर उनको दें। और देखें ये मुश्किल घड़ी है, ये लोग हैं, देखें बर्तन वर्तन सब बाहर पड़े हैं, खुले आसमानों के नीचे दिखाओ, तिली वगैरह देखें किस तरह से लोगों का। और बस यही आप लोगों को दिखाना था, यहाँ दिखाने के लिए इसीलिए आएँ तकरीबन 6 घंटे का सफ़र करके कराची से, कि JDC जो काम कर रही है आपके इल्म में आए, आगे बढ़ें, तमाम पाकिस्तानियों को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, लोग मुश्किल में हैं और हमें इनकी मदद करनी है, किसी भी तरह इनकी मदद करनी है, ये लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में। और एक बार फिर आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा आगे बढ़ें, अगर JDC यहाँ से लेकर मात्र, देखें कितने घर हैं, ये सारे घर हैं, फिर इसके अलावा जो और इससे कितना दूर बनाया नदीम भाई? पीछे और थोड़ा सा आगे हाँ, ये सामने भी है। अच्छा, हाईवे पर हैं। अच्छा, इसी रोड पे? जी जी हाँ बिल्कुल। ये जब हम JDC इतना छोटा सा दायरा वो बना सकता है, तो अगर आप सारे पाकिस्तानी हैं, और JDC के साथ AD मलिक साहब इसमें हमारे साथ शामिल, अदील मलिक साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, आप हमारा साथ अगर जारी रखेंगे। कल रात में 2 ट्रक निकले हैं, परसों 6 ट्रक निकले हैं गर्म कपड़ों के, तो नॉन स्टॉप JDC का ऑपरेशन जारी है। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, फॉरवर्ड करें, रीट्वीट करें, ताकि मैसेज आगे तक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए JDC अपना हिस्सा डाल सके। बहुत शुक्रिया। गर्म कपड़ों के लिए रुके, उस घर में फैमिली शिफ्ट हो गई, इसमें शिफ्ट हो गई, इसमें सिलाई मशीन रखी, यहाँ भी शिफ्ट हो गई, देखिए इसमें भी शिफ्ट हो गई है फैमिली, इसमें बिल्कुल, इसमें इसमें आपका घर है, 5 फैमिली यहाँ पर, फैमिली देखिए जो इस तरह ये खुले आसमानों के नीचे फैमिलियाँ थी,
अब ये अपने घरों में शिफ्ट हो गई है। आए उधर भी जो घर बन गए हैं वहाँ भी शिफ्टिंग शुरू हो रही है। सामने फैमिली बैठी हुई है वो शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो फैमिली अभी भी बाहर हैं ये इन घरों में रेडी हो गए हैं, इसमें शिफ्ट हो जाएंगी, बाकी आगे घर बने। आए पैसे दे रहा हूँ, आप ये जो बच्चे हैं जो साइकिल वाइकिल टूटी बच्चों के खिलौने ये सब इनको, ठीक है, इनसे आप ले लेंगे साइकिल, ले लेंगे साइकिल, साइकिल ले लो, अगर ये नहीं देंगे तो क्या करोगे, नहीं इनको पकड़ लेना यार, क्या करेंगे। आए जे बी सी के लिए सारे दुआ को है सर, सर हम आपको सामने लगे ये भी आपकी मेहरबानी है भाई, भाई इनका गाँव देखें, हाँ जी देखिए लोग ये बता रहे हैं इनके गांव मुकम्मल तबाह हैं, हम यही कह सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, 18 फीट से पानी ज्यादा था सिटी के अंदर, सुन रहे हैं 18 फीट पानी सिटी के अंदर, 11 फीट पानी था, जल्दी देखें पानी, देखें आप पानी जहाँ तक देख रहे हैं आप, उधर देखें पानी कितना है, इस पानी में लोग थे, ये इनके घर अब बने, इधर एडी मलिक साहब का नाम रह गया लिखना, इंशाल्लाह वो भी लिखवा देंगे, और एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा उन तमाम लोगों जो एडीसी को सपोर्ट करें पूरी दुनिया में कहीं भी, ये वीलॉग भी इसीलिए बना रहा हूँ ताकि पूरा A to Z आपकी नॉलेज में सारी चीज़ें आ जाएं, किस तरह से क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब आप देखते रहें। सर बहुत शुक्रिया, आ जाए नदीम भाई बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, ये जो सिंध की सखावत है वे उन सिंधी बंदों के, उन पाकिस्तानी हुब्बे वतन के लिए जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम JDC फाउंडेशन के बड़े शुक्र गुजार हैं। ये वो खेरपुनाथन शाह की जगह है जो 31 अगस्त को आने वाला पानी अभी तक शहर के किन एरिया से निकल जाएगा, जो देहात हैं अभी तक उनमें इतना पानी खड़ा है, लेकिन JDC पाकिस्तान का वाहिद इदारा है, हम मोहब्बत से उनको कहते हैं कि राशन थे कपड़े, हाउस का ये पहला इदारा जो स्टार्टिंग से हाउस बने हुए, इतनी सैकड़ों घर बन रहे हैं माशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा सर, आप सब लोग दुआ में याद रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, यहाँ पर आए, अल्लाह हाफिज़। बस यहाँ से अब निकलेंगे, वापसी सफर करेंगे कराची का, तकरीबन 6 घंटे गाड़ी चलानी है नॉन स्टॉप, और सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर इसलिए आया हूँ, आप पाकिस्तानियों को जहाँ भी ये मैसेज पहुँचे ज़रूरी इनकी मदद करनी है, और इसलिए करनी है ताकि ये घरों में अपने आ जाएं, ये एक आफत का शिकार है, हमने आपने क़यामतीन अल्लाह ताला को ये अपना मुंह दिखाना है और बताना है कि जब हमारे पाकिस्तानी भाइयों में मुश्किल आई थी हमने अपना हिस्सा डाला, बहुत शुक्रिया। नदीम भाई का इजाफा हो गया गाड़ी में और ड्राइविंग सीट पर मुस्तफ़ा आ गए, वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है, आधा पौन घंटा चला लेंगे ये, उसके बाद फिर मैंने ही चलानी है, सूरज डूब रहा है और मेरे ख्याल में 5:04 हो रहे ना, तो हम शायद कितने बजे पहुँचेंगे मुस्तफ़ा दादा, लोग गाड़ियों में कश्तियां बड़ी बड़ी लकड़ी की लेकर जा रहे हैं अपने अपने इलाकों में, 5
पानी निकालने के लिए और फैमिली ख़ानदानों की शिफ्टिंग के लिए। और बस मगरिब के करीब करीब है, मुश्किल से चला पा रहा है गाड़ी उस थोड़ा। आमरी पुल पे हम लोग पहुँचे हैं यहाँ से, यहाँ से सफ़र कराची का मेरे ख्याल में शायद 3 घंटे का रह गया, 3 घंटे का रह गया। और मंगवा ले वजीत ने छोटी छोटी पीस खा रहे, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। तकरीबन 3-3.5 घंटे का सफ़र बाकी है, अंधेरा हो चुका है। तो क्या क्या खा रहे हैं सर? दाल खा रहे हैं, कोरमा खा रहे हैं, मिक्स सब्जी है। नदीम भाई भी आ गए हैं जो वहाँ घर बनवा रहे थे इतने दिनों से। और इस वक्त अभी हम पहुँचे हैं, ये क्या है, हैदराबाद टूर क्रॉस किया ना, हैदराबाद टूर क्रॉस। ये अब हम समझे कराची टूर पे दाखिल हो गए अंदर, और ये सफ़र हमारा हो गया 12 घंटे का पूरा पूरा हो गया। 11 बजे निकले थे और रात के 11:08 हो गए, 10 मिनट में हम हाउस ऑफ जीडीसी पहुंच जाएंगे। चले देखते हैं आगे। और हम पहुंच चुके हैं जीडीसी और ये टाइम हो गया। अफसोस भी हो के ऐसे बेचारे बगैर घर के रह रहे थे। हाँ, और बहुत टाइम तो देखे, 2-3 महीने गुजर गए हैं बहुत, लेकिन बहुत खुशी भी हुई माशाल्लाह अच्छे घर है मैंने देखे। अभी तो और बना रहे हैं, तो मैंने वो जो जेडीसी के पेज पे लोड किया ना, उसके अलावा ये तफसीली व्लॉग है। इसमें मैंने ऐसे ही मैं सिंपल, इसमें कोई म्यूजिक व्यूजिक शशके वशके कुछ नहीं है, सीधा सीधा दिखा रहा था कि जो यूथ है वो समझ सके कि समाजियात को इतना मुश्किल काम नहीं है। सेट है अजीम भाई, सब सेट है माशाल्लाह, मगर तो आज सुबह ही सुबह यहाँ से निकले थे। आपको सारा व्लॉग दिखाने का मकसद, सारी चीजें बताने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपके बिल में आता रहे कि किस तरीके से लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा की जा सकती हैं। और ये पूरा प्रोसेस था, इंशाल्लाह आगे भी घर बन रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे बैंक अल्फला भी और एडी मलिक साहब जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, आगे शायद कुरैशी साहब से भी उम्मीद है, बैरेट ऑन कंट्री हेड और जो जो पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ भी 50,000 रुपये में अगर किसी का घर बन जाए गरीब का, कोई मुश्किल चीज़ है, आगे बढ़े साथ दें हमारा। ये हो गया एक छोटा सा बिलॉग, थैंक यू।